Time baru ujang mau tak boleh. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय सेल्फ दीपक अड़ूकर, आई एम मेरी गर्ल स्टूडेंट निशा। तो मैं आज आया हूँ जब यहाँ पे मैं रहता हूँ परम सिटी के अंदर। तो उस परम सिटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर आया हूँ। तो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल इवेंट होने वाली है। सिटी यानी ये टाउन है, छोटा सा कस्बा है। तो वहाँ पे ये हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है। उस ये जो टाउन है, उस टाउन का नाम है खुकलो का टाउन, नाम का ये टाउन है। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है। तो आज हमें दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे छोटा सा टाउन कैसा है, उसके अंदर क्या हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है, और जो प्लेस है खुकलो का, उसको एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। आप इसे जो पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कैमरा में भी, तो ये छोटा सा टाउन है, छोटा सा कस्बा है, छोटा सा खेड़ा गाँव है। इधर भी गाँव की पॉपुलेशन लगभग 2-2.5 हज़ार तक होंगी। ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं, छोटा सा गाँव है। और यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम होने वाला है। मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा जो यहाँ पे जो ये लकड़ी के घर दिख रहे हैं, लकड़ी वाला जो दिख रहा, इधर भी ये वाला भी, उसको एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊँगा। तो अब चलते हम यहाँ पर जो कुछ इवेंट चल रहे हैं यहाँ पर, तो हम देखेंगे क्या क्या इवेंट चालू है अभी। तो यहाँ पे अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम है वर्ल्ड मिडिवल फाइटिंग चैंपियनशिप। यानी मिडिवल टाइम जो था, हिस्ट्री का जो मिडिवल पीरियड है, उस टाइम में जो फाइटिंग होती थी, उस टाइम में जो वार होते थे, उस टाइम मिडिवल टाइम की फाइटिंग कैसी है, तो उसका अभी यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन चालू है। Готовятся команды Боярд Апачи. После них Медвежья 5 и Шарнхорс. Носила с нами Катюша, уносила песню за собой. Уходила с нами Катюша, уносила песню за собой. आज यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आए हुए हैं ये प्रोग्राम को देखने के लिए। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लकड़ी का बना हुआ है, और इस साइड में भी है, देखो ये वाला। और यहाँ पे आगे जो तोफ रही थी ना, तोफ वगैरह रखी हुई है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि तोफ कैसी है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है यहाँ पे। अरे ये तोप दी, मैं आपको तो भी अब तोप दिखाऊंगा, फायर क्रैकर की आवाज आ रही है यहाँ पे। देखो ये वाला, यहाँ पे तोप है, उसके पीछे ट्रक लगा हुआ है। और यहाँ पे ये दोनों फोटो खींच रहे ओम और शुभम। यहाँ पे आर्मी के कपड़े पहने हुए ट्रक ड्राइवर, आप ट्रक के अंदर बैठे हुए हैं। और ये बड़ा रणगाड़ा है ऐसे, अब उसके उनके पास
बंदूक वगैरह भी है। देखो ऊपर टंकी के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे बंदूक भी है, देखो यहाँ पे दिख रही होंगी आपको, ये बंदूक है, ये ओरिजिनल बंदूक है। जो उनके अभी उनके हाथ में आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये ओरिजिनल बुलेट है। अभी जो इसके अंदर वो गन के अंदर बुलेट भर रहे हैं, इसके अंदर किट है क्या, बारूद गोला वगैरह, अंदर की मशीनरी इसके अंदर बंदूक है टाइप। ये थोड़ी अलग टाइप की टंकी दिख रही है मुझे। और ये दूसरी है जो यहाँ पे, ये भी छोटी सी टंकी है, यानी टैंक है, जो भी आर्मी की टैंक रही जो टैंक है छोटी वाली। और यहाँ पे कुछ आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे ट्राई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में वो इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर वो ओरिजिनल फायर क्रैकर बुलेट और टैंक जो रहते हैं आर्मी के, उनका ट्राई करके देखेंगे ना। वो यहाँ पे फायरिंग करेंगे, ओरिजिनल बुलेट फायरिंग करेंगे, और जो टैंक रहते हैं आर्मी के टैंक, वो टैंक से भी बारूद गोला बाहर निकालेंगे फेंकेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑफिसर जो है आर्मी ऑफिसर, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो प्लानिंग कर रहे कि आगे क्या क्या करना है। और यहाँ पे भी दो आर्मी के ऑफिसर शायद, नहीं तो कुछ सोल्जर होंगे, वो अभी आपस में बात कर रहे हैं। पेर वाला दा पेर वाला तो काज दे गोदा दा काज दे गोद दिस पर सेंटे पर दा सेंटे पर काज दे गोद ना सेंटे पर обычно раньше обычно чай обед беру да на чай Август, да? Первых числа на август. Так. В Смоленске? Да. В Смоленске я вот не был на реконструкции. Но в реконструкции проводится по всей России. Вот там выставка по медицине, по время Великой Отечественной войны. Можете сходить, тоже там посмотреть. Хорошо, хорошо. Там инструменты всякие, знаки различия. Ага. Красная армия. Хорошо, хорошо. Смотрите. Сходите, сколько осталось? Сколько тарся? 3840. Какой года? А, треть, 20-го, первая треть. Сколько? Начало 20-го. Начало, да? Угу. Хорошо. Я опять обдек сакте, и джо, я опять. Как называется это? Насос. Насос. Для воды, да? Или это? Бочка под воду. Бочка. पानी के लिए कुछ है, जो आपको ये आप दिला फार्मा था на телеге сразу выезжать на пожар на пожар हां поливай это водой горячей हां अगर कहां पे आग वगैरह लग गई तो बुझाने के लिए यहां पे इनको हमारे इधर महाराष्ट्र इसको मराठी मोड बोलते हैं। अगर खेत को अगर पानी देना होता तो पुराने जमाने में इसको यहां पे हाथ से मोट का यूज होता था। यहां पे आप सब लोगों को पता होगा कि म्यूजियम जो रहते हैं एक रूम के अंदर क्या एक बड़े हरे हॉल के अंदर म्यूजियम होते हैं, रशिया में तो भी, यूरोपियन कंट्री में भी। लेकिन ये परम डिजन का ऐसा एक म्यूजियम है कि जो ओपन एयर में, यानी वो जब हमने अपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमने स्टार्टिंग में टिकट खरीदे अंदर आने के लिए, तो ये जो म्यूजियम है ये पूरा क्या बोलते उसको, ये जो म्यूजियम है पूरा जंगल के अंदर, यानी आपने स्टार्टिंग से एंट्री ली, टिकट खरीदा, उसके अंदर अंदर आए तो ये जो पूरा म्यूजियम है पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा जंगल है। जंगल के अंदर म्यूजियम है, यानी इसको कहते हैं ओपन एयर म्यूजियम, यानी खुले हवा के अंदर म्यूजियम है। और यहाँ के आप देख रहे होंगे कि हर जगह पे मोन्यूमेंट टाइप बने हुए हैं, लकड़ी के घर बने हुए हैं, और पूरा जंगल जो भी कुछ कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं वो जंगल के अंदर हो रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ओपन एयर म्यूजियम। और अभी लगभग आज की तारीख 27 सितंबर है, तो अभी तो समर तो ख़त्म ही होने को आया अभी, लेकिन अभी भी आज का टेम्परेचर वगैरह तो 14-15 डिग्री है, तो एकदम अच्छा वेदर है, एकदम प्लीजेंट वेदर है। सब लोग यहाँ पे, आज का संडे भी है तो सब लोग यहाँ पे वीकेंड मनाने के लिए आए हैं, और प्रोग्राम भी अच्छा है। और सब तरफ अभी तो ऑटम शुरू हुआ तो ग्रीनरीज थोड़ी कम हो रही है, और सब जो पेड़ के पत्ते नीचे गिर रहे, सब पेड़ के पत्ते पीले पीले हो गए। एक इधर देखो पीछे ऑटम शुरू हुआ। Empty hearts and neon lights.
They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna.